आई सेल माई ड्रीम्स इस कहानी को गैब्रियल गार्सिया ने लिखा है। यह कहानी एक महिला के बारे में है जो यह कहती थी कि वह अपने सपने सूचक सपना भेजा करती थी। कहानी तब शुरू होती है जब लेखक हवाना रिवेरा होटल के टेरेस पर नाश्ता कर रहा था। एक विशाल लहर ने कई कारों को उछाल दिया था जो समुद्री दीवार के साथ चलती हुई सड़क पर से गुजरी थी अथवा फुटपाथ पर खड़ी थी। एक कार तो होटल की बगल में घुस गई थी। इस लहर ने बड़ा विनाश पैदा कर दिया था। जब कार को उसने स्थान से उठाया गया तो उसके भीतर एक महिला का शव पाया गया, यानी महिला की बॉडी पाई गई। उस महिला की सारी हड्डी टूट चुकी थी, चेहरा नष्ट हो गया था और उसके कपड़े फटकर चितड़ों में बदल गए थे। उसकी अंगुली पर एक सोने की अंगूठी थी जो सर्प जैसी दिखती थी, जिसकी आंखें पन्ने जैसी हरी थी। उसकी सर्प जैसी अंगूठी ने लेखक को अतीत में पहुंचा दिया। वह उस महिला के 24 वर्ष पूर्व वियना के एक शराब खाने में मिला था, यानी एक बार में मिला था। वह एक एलिमेंट्री स्पेंच भाषा बोलती थी। ऑस्ट्रिया आ गई थी संगीत तथा गीत सीखने के लिए। तब वह एक बच्ची ही थी जब लेखक उससे मिला था। तब वह करीब 30 वर्ष की थी। वह कोलंबिया से, जो उसके जन्म स्थान का देश था, लैटिन अमेरिकन स्टूडेंट जो उस मदिरालय में आते थे ने उस महिला का फ्रॉ फ्रीडा नाम रख दिया था। उसके पास काफी धन था जिससे वह साथी छात्रों के लिए भोजन खरीद सकती थी। लेखक ने उससे पूछा था कि वह इतने दूरस्थ स्थान पर कैसे आ पहुंची। उसने उत्तर दिया कि मैं अपने स्वप्न बेचती हूँ। 7 वर्ष की आयु की बालिका के रूप में उसने अपने परिवार में नाश्ते से पूर्व, यानी नाश्ते से पहले सपने बताने की प्रथा शुरू कर दिया था। एक दिन उसने सपना देखा कि उसके भाइयों में से एक भाई को पानी का तेज बहाव बहा ले गया था, किंतु उसकी व्याख्या यह थी कि उस बच्चे को मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए। दुर्भाग्य से एक दिन वह लड़का गले में चिपचिपी मिठाई उलझ जाने के कारण वह मर गया था। बाद में वियना में उस महिला को एक परिवार में काम मिल गया। वह उस परिवार के लिए सपना देखा करती थी। धीरे धीरे उसने परिवार का विश्वास प्राप्त कर लिया, इतना विश्वास कि उसके भविष्यवाणी उस घर में प्रशासन बन गई। समय के साथ साथ उस महिला ने उस परिवार की समस्त जायदाद पर अधिकार कर लिया। उसने उस जायदाद को बेच दिया तथा नए पुर्तगाली राजपूत तथा उसकी पत्नी के घर की व्यवस्थापक बन गई, यानी जरूरत बन गई। कहानी एक राजनयिक स्वागत समारोह में राजपूत के साथ लेखक की मुलाकात के साथ समाप्त होती है।